मैं हितेश व्यास अपने कुछ छोटी कविताएं लेके उपस्थित हूँ। पहली कविता का शीर्षक है हाँ नहीं। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं 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 हाँ। फिर अगली कविता है जंगल आदमी और आग। एक ता जंगल एक आदमी, आदमी में लग गई आग, जंगल फैल गया आग की तरह। झुलस गया आदमी, हो गया जंगल। एक ता जंगल एक आदमी, एक ता जंगल एक आदमी, आदमी में लग गई आग, जंगल फैल गया आग की तरह। झुलस गया आदमी, हो गया जंगल। एक ता जंगल एक आदमी। अगली कविता है चेहरा। एक चेहरे की तलाश है हर एक को, एक चेहरे की तलाश है हर एक को, हर एक के पास है एक चेहरा। एक चेहरे की तलाश है हर एक को, हर एक के पास है एक चेहरा। एक चेहरा भीड़ में कहीं खो गया है, एक चेहरा भीड़ में कहीं खो गया है, हो गया है हर आदमी का एक चेहरा। हो गया है हर आदमी का एक चेहरा। एक चेहरा हर हाल में बचाना है, एक चेहरा हर हाल में बचाना है, पाना है हर आदमी को एक चेहरा, पाना है हर आदमी को एक चेहरा। अगली कविता है खो 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 कर पा, खो 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 कर पा, पर जो पा उसे मत गवा, पर जो पा उसे मत गवा, बहुत अधिक खो बहुत कम पा, बहुत अधिक खो बहुत कम पा, पर जो पा उसे बचा, पर जो पा उसे बचा। अगली कविता है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातों पर मोटा मोटा ध्यान दिया और तुमने क्या किया। छोटी छोटी बातों पर मोटा मोटा ध्यान दिया और तुमने क्या किया। मोटी मोटी बातों को सहन कर गए, मोटी मोटी बातों को सहन कर गए, मोटे मोटे भार को वहन कर गए, मोटे मोटे भार को वहन कर गए, छोटे छोटे बोझ को उठा न सके, छोटे छोटे बोझ को उठा न सके, छोटे छोटे बोझ से बार बार थके, छोटे छोटे बोझ से बार बार थके, जीवन को टुकड़ों में जिया, जीवन को टुकड़ों में जिया और तुमने क्या किया। छोटी छोटी बातों पर मोटा मोटा ध्यान दिया। अगली कविता है एक नदी। एक नदी उछलती है, एक नदी उछलती है, सामने ठंडा समंदर है, सामने ठंडा समंदर है, बीच में बर्फ की दीवार है, बीच में बर्फ की दीवार है। अगली कविता है बस्ती और सन्नाटा। मैं सन्नाटे की बस्ती में बैठा था, मैं सन्नाटे की बस्ती में बैठा था,
तुम बस्ती के सन्नाटे से आए, तुम बस्ती के सन्नाटे से आए, मैं तुम्हारी बस्ती से घबराया, मैं तुम्हारी बस्ती से घबराया, तुम मेरे सन्नाटे से घबराए, तुम मेरे सन्नाटे से घबराए, तुम्हारे और मेरे बीच सन्नाटा सा छा गया, तुम्हारे और मेरे बीच सन्नाटा सा छा गया, बस्तियों से गुजरते हुए वीराना आ गया, बस्तियों से गुजरते हुए वीराना आ गया, तुमने बातों की बस्ती से सन्नाटे का वीराना तोड़ा, तुमने बातों की बस्ती से सन्नाटे का वीराना तोड़ा, और तुम्हारी बस्ती से मैंने अपने सन्नाटे को जोड़ा, तुम्हारी बस्ती से मैंने अपने सन्नाटे को जोड़ा, तुम्हारे और मेरे बीच एक बस्ती बस गई, तुम्हारे और मेरे बीच एक बस्ती बस गई, कहीं गहरे में सन्नाटे की देह धंस गई, कहीं गहरे में सन्नाटे की देह धंस गई, तुमने क्या लिया मैंने क्या दिया, तुमने क्या लिया मैंने क्या दिया, तुम क्या गए कि तुम तक मेरा सन्नाटा चला गया, तुम क्या गए कि तुम तक मेरा सन्नाटा चला गया, एक बस्ती के हाथों एक सन्नाटा चला गया, एक बस्ती के हाथों एक सन्नाटा चला गया। मेरी अगली कविता है औरत बाहर। औरत जाएगी बाहर आदमी रहेगा घर, औरत जाएगी बाहर आदमी रहेगा घर, औरत के पास हौसला, औरत के पास हौसला, आदमी के डर, आदमी के डर, चुनाव लड़ेगी औरत प्रचार करेगा आदमी, चुनाव लड़ेगी औरत प्रचार करेगा आदमी, नौकरी करेगी औरत पानी भरेगा आदमी, नौकरी करेगी औरत पानी भरेगा आदमी, बराबरी की बातें कर रहे हो, बराबरी की बातें कर रहे हो, ये किस सदी की बातें कर रहे हो, औरत जाएगी आगे आदमी रहेगा पीछे, औरत जाएगी आगे आदमी रहेगा पीछे, आकाश छूलेगी औरत आदमी रहेगा नीचे, आकाश छूलेगी औरत आदमी रहेगा नीचे, आदमी करेगा आश्चर्य औरत बनेगी ऐश्वर्या, आदमी करेगा आश्चर्य औरत बनेगी ऐश्वर्या। अगली कविता है पी लिया हुआ सूरज। ये पी लिया हुआ सूरज है इसे माफ करो, ये पी लिया हुआ सूरज है इसे माफ करो, इसने दोपहर ही नहीं देखी, इसने दोपहर ही नहीं देखी, सुबह से शाम तक एक शरीखा रहा, सुबह से शाम तक एक शरीखा रहा, ठंडा और बुझा हुआ, जिसे ये प्रतिभा की बौछार समझता है, जिसे ये प्रतिभा की बौछार समझता है, वह तो सन्नीपात की बड़बड़ाहट है, बीमार है बेचारा दया करो, बीमार है बेचारा दया करो, एक तो सूरज के नाम ने इसमें रोशनी का भ्रम पैदा किया, एक तो सूरज के नाम ने इसमें रोशनी का भ्रम पैदा किया, मरगिल्ले उजाले वाली लालटेन की तरह, मरगिल्ले उजाले वाली लालटेन की तरह गुजरता है ये पी लिया हुआ सूरज इसे ढलने दो। अगली कविता है कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम को सीधा करने का प्रयास टेढ़ा है, कुत्ते की दुम को सीधा करने का प्रयास टेढ़ा है, टेढ़ी ही रहेगी वो और सीधी हो भी गई तो रहेगी कुत्ते की दुम ही, और सीधी हो भी गई तो रहेगी कुत्ते की दुम ही, सीधी दुम का क्या कर लेंगे हम, सीधी दुम का क्या कर लेंगे हम, चीजों की ओर से ध्यान हटाने का ये पुराना तरीका है, चीजों की ओर से ध्यान हटाने का ये पुराना तरीका है, और कुछ नहीं तो कुत्ते की दुम को ही सीधा करें, और कुछ नहीं तो कुत्ते की दुम को ही सीधा करें, नली में बंद करके 12 साल तक देखते रहें, 12 साल तक देखते रहें, फिर कहें कि ये तो टेढ़ी की टेढ़ी है, ये तो टेढ़ी की टेढ़ी ही है।
अगली कविता है, अगली धारणा। जब तुम किसी आदमी से मिलने जाओ, जब तुम किसी आदमी से मिलने जाओ, धारणाओं को घर छोड़ दो, धारणों को घर छोड़ दो, क्योंकि आदमी बदल जाता है, धारणाएं नहीं बदलती। क्योंकि आदमी बदल जाता है, धारणाएं नहीं बदलती। जब मैंने धारणाओं का चश्मा लगाकर आदमी को देखा, वह आदमी नदारद था। जब मैंने धारणाओं का चश्मा लगाकर आदमी को देखा, वह आदमी नदारद था, धारणाएं मौजूद। और जब मैं धारणाओं के जूते उतार आदमी के अंदर गया, जब मैं धारणाओं के जूते उतार आदमी के अंदर गया, वहां मंदिर नजर आया, वहां मंदिर नजर आया। अगली कविता है शब्द और हरकत। शब्द और हरकत। मेरे पास शब्द थे, तुम्हारे पास हरकत। मेरे पास शब्द थे, तुम्हारे पास हरकत। तुम्हारी हरकतों ने मेरे शब्दों को जन्म दिया। तुम्हारी हरकतों ने मेरे शब्दों को जन्म दिया, और मेरे शब्दों ने पैदा की तुम में हरकत। मेरे शब्दों ने पैदा की तुम में हरकत। अगली कविता है अप्रतीक्षा। जलती हुई चिता छोड़कर लौट आते हैं उसके अपने, चिता के बुझने तक की प्रतीक्षा नहीं करते। जिसके लिए जीवन भर की जाती है प्रतीक्षा, फिर प्रतीक्षा करते हैं उसके मरने की। पर्दे। अगली कविता है पर्दे। लोग पहले तो बनाते हैं दरवाजे, लोग पहले तो बनाते हैं दरवाजे, फिर लटका देते हैं उन पर लंबोतरे पर्दे। फिर लटका देते हैं उन पर लंबोतरे पर्दे। पहले तो निकालते हैं खिड़कियां, पहले तो निकालते हैं खिड़कियां, फिर उड़का देते हैं उन पर तने हुए पर्दे। खूबसूरत पर्दों के उस पार पनपता है बदसूरत पाप। दिन पाप का डर है, रात पाप का घर है। ये सच है कि पर्दा पाप का कवच है। ये सच है कि पर्दा पाप का कवच है। उजाले में उजागर हो जाता है, पाप अंधेरे में खो जाता है। पाप और अंधेरा एक हो जाता है। अगली कविता है नूतनवाद। नए युग के, नए वर्ष के, नए मास के नव सप्ताह का नूतन दिन है। नए युग के, नए वर्ष के, नए मास के नव सप्ताह का नूतन दिन है। या यूं कह दें, ये नूतनवाद उनके लिए है अलार्म जो नींद में है। ये नूतनवाद उनके लिए है अलार्म जो नींद में है, जो जगे हैं, जो जगे हैं उनके लिए समय जो था, है, होगा सब नया है। अगली कविता है दो आदमी। एक आदमी पैसे से दूर है, एक आदमी पैसे के पास है। जो पैसे से दूर है वो आदमी उदास है, और जो पैसे के पास है उसके चेहरे पे उल्लास है। एक आदमी अर्थ प्राप्ति में लगा है, एक आदमी अर्थार्जन में लगा है। एक को मतलब से मतलब है और दूसरे को मतलब की तलाश है। एक के लिए पैसा सब कुछ है, एक के पास सब कुछ है पैसे के सिवाय। एक के पास सब कुछ है पैसे के सिवाय। एक शव यात्रा से लौटने के बाद क्या तुम किसी मुर्दे के संग मसाने गए? मुर्दे को सजाते हैं मुर्दे, मुर्दे को बांधते हैं मुर्दे, मुर्दे को उठाते हैं मुर्दे और मुर्दे को ले जाते हैं मुर्दे, मुर्दे को जलाते हैं मुर्दे, मुर्दे के साथ जलते हैं मुर्दे। किसी की भी शव यात्रा सहभागियों की मृत्यु यात्रा भी है। जब हम लौटते हैं अपने घर, हम कुछ अंशों में मर चुके होते हैं। जीवन में लौटने के बावजूद ये अंश कभी जीवित नहीं होते, ये अंश कभी जीवित नहीं होते।